जिस रफ्तार से कोरोना देश भर में अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 93,000 से ज्यादा नए केसेस। तो मोटा मोटी बात ये है कि माहौल तो स्ट्रेसफुल है थोड़ा सा। कोरोना तो देखो बढ़ता ही जा रहा, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा। 2021 में अप्रैल का महीना अभी शुरू ही हुआ है और कोरोना के केसेस आसमान छू रहे हैं। हमें ही होगा, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इतने ज्यादा। बढ़ने को मैडम बहुत कुछ बढ़ रहा है, पर ये कोरोना वोरोना कुछ है ही नहीं है। जो पहले ना था वो अभी भी नहीं है। क्यों ऐसा मास्क पहनना छोड़ रहे हैं लोग? क्योंकि लोग बोर हो गए। लोग पहन भी रहे, लोग नहीं भी पहन रहे। इफ यू टॉक अबाउट इन यूपी साइड, तो पीपल आर वेरी रिलैक्स्ड। अब गाजियाबाद करेंगे, गाजियाबाद में तो आपको बिल्कुल कोई पहनते ही नहीं दिखेगा, क्योंकि अब सब लोगों ने मान ही लिया कि हाँ हमें सिचुएशन में रहना ही है, तो पहनो ना पहनो एक सा ही है। 2020 से लेकर अब तक इंडिया ने हाईएस्ट सिंगल डे केसेस रजिस्टर किए गाइस, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के डेटा के मुताबिक देश की टोटल कोविड टैली 12.48 मिलियन के पार हो चुकी है। तो देखो तमाशा शुरू हो गया है। हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। लॉकडाउन के बाद 10-15 लोग पर डे मिलते थे यहाँ पॉजिटिव, और वो भी मार्केट में घूमते थे। सबसे पहले ना ये हर जगह पे इकट्ठा होना बंद करो आप लोग। कोरोना स्टार्ट हुआ ना तब से तो डर लगा नहीं, तो अभी डर लग के क्या कुछ। क्या आपको पता है ये जो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात समझकर फर्स्ट वेव को हल्के में लिया गया था, इनमें कोरोना का सर्ज दोबारा देखा जा रहा है। इनमें जिनको कोरोना नहीं हुआ था पहले, वो ज्यादा संक्रमित है या रीइंफेक्शंस के केसेस ज्यादा है, इस बात का पब्लिक डोमेन में भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो कुछ स्टेट्स में एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट को आइडेंटिफाई किया गया है, मगर एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि म्यूटेंट की वजह से ट्रांसमिशन तेजी से हुआ है, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में यही नहीं समझ आ रहा है कि केसेस बढ़ने का पैटर्न और अब हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस पर राय क्या है कि कहां गलती हो रही है। भारत में भी कोरोना इन्फेक्शन की सेकेंड वेव आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, यानी कि मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन जैसी चीजों को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। इसके अलावा एक बहुत ही चर्चित एंग्जाइटी का कारण है ये लॉकडाउन। सरकार के लिए इस वक्त क्या जरूरी है करना? क्या लॉकडाउन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, और अगर नहीं तो क्या? लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि इकोनॉमी भी चलनी है साथ साथ। तो कहना चाहिए 22 कैच सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए भी कि किसको ज्यादा वेटेज दिया जाए, तो एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है उनके लिए भी। तो अब लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जहाँ पर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही रिलीजियसली प्रैक्टिस करें, और उसी से इमीडिएट सॉल्यूशन है। सो इट रियली मैटर्स कि आप ज्यादा कैरीड अवे ना हो जाए। मैंने तो अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव बंदा देखा ही नहीं है। कोविड सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। नॉर्मलाइज कर करके इस सेकेंड वेव को हल्के में ना ले प्लीज। बंटी को फॉलो करो, बंटी वॉज ऑलवेज राइट। बी सीरियस।